One, two, three, let's switch this up. मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे। खुदा ने एक और दिन दिया, उसका शुक्रिया अदा। और आज छुट्टी है दोस्तों, और आज है जन्माष्टमी, तो आपको उसकी शुभकामनाएं। आज कृष्ण जी का बर्थडे है दोस्तों, तो आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ। और बस थोड़ी देर पहले उठी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ, मैं अपनी हमेशा मैं पानी पीती हूँ, आज अर्जुन की छाल का पानी बना रखा है मैंने, तो उसको पी लेती हूँ दोस्तों। उसको उबाल के रखा था मैंने, तो उसको पी रही हूँ मैं। चार दिन की छुट्टी है दोस्तों, प्लान तो बनता कहीं घूमने जाएं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। प्लान अचानक बनता है, अचानक ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको अपना अर्जुन की, ये है मेरा अर्जुन की छाल का पानी, तो मैं इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ। ये देखो, तो खाली खाली पेट इसको पीना होता है दोस्तों, तो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। मैंने कहा मैं देसी इलाज ज़्यादा करती हूँ, मैं देसी इलाज ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ दोस्तों। ये देखो, अभी मैं अपने ही ब्लॉग देखती थी दोस्तों, और ये फ्रिज सामने था दोस्तों, मैंने इसको इधर कर दिया, क्योंकि इसको बार बाहर में फिर उसको बंद करना पड़ता था और मोटर चलानी पड़ती अपने पानी की। ये रही, एक ही स्विच था इधर, उसको हटा के उसका तार लगाना पड़ता था, तो फिर मैंने हटा दिया, क्योंकि बाबा फिर बंद करने से फ्रिज ख़राब हो जाता है दोस्तों। इस घर में थोड़ा स्पेस कम है, पर ठीक है, हमें तो अपना टाइम पास करना है। और ये दोनों सो रहे हैं देखो, ये दोनों, ये उठ गया, ऐसा उसको माला है तो सो रही है, और कालू उधर बैठा है, नहीं बैठी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचते हैं उसको थोड़ी देर में डॉक्टर के पास भी चलते हैं। सारी तो लाइटें क्यों जला रखी है? दोस्तों एक बार थोड़ा सा और गर्म कर लूँ, तेज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे हो गया, ठीक है। अपना आप बनाओ और अपने प्रेस से कपड़े लगाओ, इधर चल, प्रेस से कपड़े लगा, अपने प्रेस से कपड़े लगा इसके अंदर। कल दोस्तों चोट लग गई थी हाथ में, तो मैं अपना ब्लॉग ही देख रही थी दोस्तों। और अभी बज रहे हैं 9, देखो 9 बज रहे हैं दोस्तों, तो मैं भी ये थोड़ी सी थोड़ा सा चीनी डालू, ठीक है, लेकिन गले में थोड़ा रूखा सूखा सा होता है ये, तो थोड़ी सी चीनी डाल दो, शक्कर तो शक्कर डाल लो दोस्तों आप, शहद है तो शहद डाल लो, तो मेरे पास तो शक्कर है, थोड़ी सी डाल लेती हूँ, हल्का सा गुनगुना किया है मैंने। अरे तो आज थोड़ा घर का काम किया, थोड़ी इधर से उधर सफाई करी, पपीता भी खाऊंगी थोड़ी देर के बाद। और आप लोग भी सुबह सुबह क्या करते हो जरूर बताना, तो गर्म पानी तो किसी तरह से ही पियो, तो ये एक तरह से गर्म पानी ही है। सुबह सुबह पहले 2 गिलास सादा पानी पियो, उसके बाद गर्म पानी पियो। तो मैं ये करती हूँ अपना रूटीन, जो मेरा रूटीन बना हुआ है तो मैं जरूर करती हूँ। बैला का टेबल चला गया बाहर, पता नहीं कैसे चाचा करेगी, इसका टेबल बाहर चला गया दोस्तों, दिखाती हूँ। आज बालकोनी की भी सफाई कर दी, बैला का टेबल बाहर आ गया, और धूप बड़ी अच्छी निकली है दोस्तों, देखो ये देखो, सुबह सुबह हमारे यहाँ पैसे धूप निकल जाती है दोस्तों, बस थोड़ी देर के लिए निकलेगी। ये बैला का टेबल मैंने बाहर कर दिया, और यहाँ की पूरी अच्छे से धुलाई कर दी दोस्तों मैंने आज, तो चलो आपको बस दोस्तों थोड़ा सा ये पी लूँ। और बैला आराम से बैठी हुई है, बैला को पसंद नहीं आ रहा है, तो ये बैठी हुई है देखो इधर, सारा इसका टेबल मैंने इधर कर दिया है, तो गुस्सा, ये देखो देखा दोस्तों कैसे, क्या मेरे पैसे ने मारा,
और मेरा फ़ोन ही हिल गया। देखो उसको गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा था इसका दोस्तों, क्योंकि इसका टेबल मैंने हटा दिया तो उसको गुस्सा आ रहा है। बेला गुस्सा करा तूने क्या से इसने दोस्तों कैमरे को मारा इसने जोर से। दोस्तों थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ अपना अर्जुन के छाल का पानी पी लेती हूँ। तो आज मैं चिल्ले खाऊंगी, देखो सब कुछ डाल दिया मैंने इसमें, प्याज कड़ी पत्ता हरी मिर्च, आपके पास सब्जी है तो सब्जी भी डाल सकते हो। मैं आज बना चिल्ला चिल्ला खाऊंगी आज मेरा नाश्ता। इतना बड़ा चिल्ला बनाया मैंने, सबने खा लिया, खुशी ने खा लिया, सारिका यहाँ खा रही है, जो है दोस्तों। दोस्तों नाश्ता पानी हो गया और अभी बज रहे 11, तो मैं बनाऊंगी दाल चावल। दाल चावल खाएंगे हम और चने चने उड़द की दाल मुझे बड़ी पसंद है। और आज मैंने बनाया खीर दोस्तों, खीर बनाऊंगी क्योंकि वो खीर पता किसी चावल अच्छे जो राशन के चावल होते हैं दोस्तों उसकी खीर बड़ी अच्छी बनती है। तो मैंने किसी से मांगे थे 2 किलो, जो राशन लेता है उससे मैंने कहा भाई 2 किलो चावल मुझे दे दे क्योंकि उससे खीर बड़ी अच्छी बनती है दोस्तों। और हम लोग भी खाते थे चावल, हमारे पास हैं लेकिन उसकी महंगे वाले चावल उसकी खीर अच्छी नहीं लगती हमें। तो मैं राशन के चावल उसको भिगो दिए हैं, 1-2 घंटे भिगो के रखूँगी फिर उसकी खीर बनाऊँगी दोस्तों। मैं आए वैसे ही जन्माष्टमी है तो इसलिए नहीं कि मैंने जन्माष्टमी खीर बना ली, ऐसे कोई बात नहीं है, छुट्टी है तो बना रही हूँ, आराम से खाएँगे। और दोस्तों जन्माष्टमी वाले दिन में हमारे घर में मेरी मम्मी, मेरा जो भाई है बड़ा वाला जिसकी डेथ हो गई है, वो उसको बड़ा शौक था मतलब हर त्यौहार पे खाना बनाने का, तो वो पंजीरी बनाता था दोस्तों, बड़ी टेस्टी थी। अब तो सब पंजीरी लोग बनाने बंद कर दिए हैं, तो उसमें सारी मेवा होती थी और चाशनी, और हमारे घर में बनती थी सूजी की, वो बड़ी टेस्टी होती है दोस्तों बहुत। आज शायद वो मिलेगी भी, मंदिरों में जाओगे तो आपको पंजीरी मिल जाएगी और मिठाइयों की दुकान पर भी पंजीरी बनी होगी क्योंकि फेवरेट डिश होती है उस दिन। इसका प्रसाद बनाते हैं अपने लोग, क्या करते हैं पर प्रसाद ही बनाते हैं मेरे ख्याल से तो, और वो खाते हैं बड़ा ही टेस्टी। इससे फास्ट भी खोलते हैं आज लोगों का, फास्ट भी है दोस्तों, रात के 12 बजे फास्ट खोलेंगे क्योंकि मुझे भी याद है हम बचपन में करते थे और बहुत फास्ट करती थी मैं भी। और 12 बजे के बाद हम खाना खाते थे, जब हम मेला घूम के आते थे अपना यहीं पर ही बिरला मंदिर पर, फिर हम लोग खाना खाते थे दोस्त। जब चाँद निकलता, आज चाँद भी देखना तो लेट निकलेगा, तो पता नहीं मतलब मान्यता है लोगों की, तो चाँद भी आज थोड़े नखरे मारेगा निकलने में। तो देखो दोस्तों हर चीज़ का अपना अपना वो है दोस्तों, किसी को भी देखो बुरा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम क्यों हम खुद बुरे हैं तो दूसरों को क्यों बुरा बोलें ऐसे दोस्तों। तो आज इन्जॉय करेंगे और आप लोगों को बाबा कह रहे हैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और जन्माष्टमी की। तो चलो मिलते हैं शाम को, अगर गए तो आपको दिखाऊँगी मैं। सभी भी नहा ली और अभी बनाई मैंने खीर, तो खीर खा रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी खा लो। देखो मैंने बनाई खीर, हम सब खा रहे हैं, ये देखो ये भी खा रही है, उधर सारी का भी खा रही है, इधर मैं भी खा रही हूँ, आप लोग भी खा लो दोस्तों। अभी हम नीचे जाने वाले नहीं जाएंगे, शायद बिरला मंदिर शायद देखेंगे, जाके ये देखेंगे। तो दोस्तों हम आ गए बिरला मंदिर साथ, तो यहाँ देखेंगे आज कृष्ण जी का बर्थडे, खुशी मैडम ये खरीद रही है, जो है गाड़ी लगाने गया है तो आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। देखो दोस्तों कितनी भीड़ है, ये देखो बिरला मंदिर पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और हम आए हैं यहाँ पर, वहाँ से वहाँ तक पूरा सजा हुआ है, ये देखो पूरा गाड़ी हमने बहुत दूर खड़ी करी है। हाँ गीता क्या हो गया दोस्तों, टीका लगा रहे हैं और ये बहन जी फ्री सेवा करे, जिसको जो देना है दे दो, पर हमारे तो गीता ने दे दी है, तो हम सबने लगा रहे हैं। सारे का लगवा ले, पीछे लगवा ले, सारे तो लगवा ले, सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों कृष्ण जी का बर्थडे, तो पूरी दुनिया करती है ना, जैसे मैं बॉबी द ग्रेट ब्लॉग, बॉबी द ग्रेट, आप आएंगे मुझे ब्लॉग बना हमारा बॉबी द, हमारे नए से आज से नए ब्लॉगर शुरू हो गए, तो हमने सोचा बिरला मंदिर पे चलते, तो आज बेटी बोलने गए आंटी आपका ब्लॉग का नाम क्या है, तो उनकी मम्मी आपकी मम्मी है, अच्छा दादी है, अरे हाँ दादी है, तो दादी भी आ गई हमारे साथ, और बेटी और ये कौन है पापा, ये पापा है इनके, आपका नाम क्या है, संजय कुमार,
तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों ऐसे मिलके। आपको लाइक करना हमारे ब्लॉग को, बॉबी द ब्लॉग ग्रेट ठीक है। ये देखो दोस्तों, और आज से हमारे नए ब्लॉगर भी मिले। दोस्तों हम आ गए बिरला मंदिर, छुपी छुपी वीडियो बना रही हूँ, अलाउड नहीं है, थोड़ी देर मिलके आपको। दोस्तों बिरला मंदिर है, बस हम आ गए बिरला मंदिर है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे हम रोज जॉगिंग करते थे तो हम कभी भी नहीं आते थे, लेकिन हमने चलो आज बर्थडे तो हर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए दोस्तों, तो हम भी आज कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग, बहुत भीड़ है, बहुत रश है, लेकिन मिल लिया, दर्शन हो गए फटाफट से, बस हम जा रहे हैं अब घर की तरफ। अरे खींच लेते आगे से दिखाऊंगी। हमें थोड़ा गन्ने मंदिर भी आ जाते हैं, तो हमारे घर के सामने ही है। हाँ चलो दोस्तों, अभी आए तो आते समय झंडे वाले मंदिर भी हो आए, तो मैंने कहा चलो यहाँ का भी थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। तो दोस्तों आज तो थक गए पूरी तरह से, और लेकिन अच्छा लगा। देखो हर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे कोई सा भी इंसान हो, उसको भी इसके साथ भी हमें उसका बर्थडे खुशियों से मनाना चाहिए दोस्तों। तो ये नहीं सोचा कि भाई लोग गलत भी सोचने लग जाते हैं, लेकिन मैं ब्लॉगर हूँ, मैं हर चीज़ को दिखाऊँगी दोस्तों। ये नहीं कि ये क्रिश्चियन है उसको ही दिखाऊँ, ये हिंदू उसको दिखाऊँ, नहीं, मैं हर चीज़ को दिखाऊँगी, क्योंकि ब्लॉगर इस चीज़ों को नहीं मानते, मैं तो मानती नहीं तू मैं तो, इसलिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो बस आज हम गए, मैं कम से कम 28 साल बाद गई दोस्तों बिरला मंदिर। बचपन में हम घूमते थे, हमारी मम्मी हमें ले जाती थी, वहाँ मेला लगता था, तो आज इतने साल के बाद हम बच्चों को लेके गई। मेरे बच्चे पहली बार गए, खुशी जॉय पहली बार गए, क्योंकि उन्होंने कोई बिरला मंदिर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, लेकिन हमें देखना चाहिए चीज़ें, क्योंकि हमारे देखो हमारी संस्कृत है, ये चीज़ें हिंदुस्तान में रहें तो चीज़ें देखनी चाहिए दोस्तों हमें। ये नहीं कि नहीं, क्योंकि हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए ना दोस्तों, कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन से गॉड का क्या नाम है, जो भी सब का हमें पता होना चाहिए। तो कृष्ण जी कौन थे हमें पता होना चाहिए, कई लोगों को नहीं पता होता दोस्तों। बाहर से लोग आके घूमते हैं, फॉरनर लोग घूमते हैं हमारे देश में, तो हम क्यों ना घूमें, तो घूमने जाना चाहिए, घूमने को बुराई नहीं दोस्तों। तो कस करता है वो गुड नाइट, और जिंदा रहता तो जरूर मिले। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना। और आज एक नए सब्सक्राइबर मिले, कितनी प्यारी बेटी, वो हम जो बोलने लगे आंटी आप ब्लॉगर हो, तो मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने ब्लॉग का नाम पूछा, और फिर ब्लॉग में आए वो लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनकी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो बस दोस्तों चलते हैं, आप करते हैं गुड नाइट, आज बहुत थक गए हैं नींद, क्योंकि इतना पैदल चले हैं ना, और नंगे पैर चले हैं, तो बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। बस करता हूँ गुड नाइट, जरूर मिलेंगे दोस्तों, बाय।